हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक प्यारा सा पर्दा का डिज़ाइन। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक वीडियो में ही कंप्लीट डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, यानी पेंटिंग से लेकर इसका फाइनल लुक तक आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में इसका फाइनल लुक दिखाया गया है। इस डिज़ाइन को बनाने में जितने पेंटिंग मटेरियल्स यूज किए हैं, उन सारे पेंटिंग मटेरियल्स को आप घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यदि आप हमारे लिंक के द्वारा कोई भी मटेरियल्स मंगाते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो में जितने भी हम पेंटिंग मटेरियल्स अभी यूज कर रहे हैं, सबका डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप बिगिनर्स हैं, आपको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है बट आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ पे पेंटिंग क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यदि आप उन सारे वीडियोज को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मात्र 15 दिन में अच्छे से पेंटिंग करने आ जाएगा। मात्र उसमें 15 वीडियो है, उन सारे वीडियोज को आप देख लेते हैं और प्रैक्टिस साथ साथ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पेंटिंग आ जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और यदि पेंटिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप पंखुड़ियों को एक साथ फिल कर सकते हैं और उसके बाद ब्लू कलर ऐड करके इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर, यानी कि जहाँ पंखुड़ी है उसके बिल्कुल किनारे पर नीचे की तरफ ब्लू कलर ऐड करना है और फिर उसे मिक्स कर देना है। ब्लू कलर के लिए यदि आप दूसरा ब्रश लेते हैं, यानी कि कोई पतला ब्रश आपके पास है तो उसका यूज करते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सेल नहीं करती हूँ, अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट की रिप्लाई करूँ और करती भी हूँ। इसलिए आप लोग खुद से बनाइए और आपको जो भी समस्या होती हो, जो भी कठिनाई होती हो बनाने के वक्त, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है ज्ञानलोक4, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ज्ञानलोक ब्यूटी ब्लॉग, आप वहाँ मुझे देख सकते हैं और मेरे डेली लाइफ के बारे में जान सकते हैं। यदि आपको बेडशीट का डिज़ाइन चाहिए, कढ़ाई का डिज़ाइन हो या पेंटिंग का डिज़ाइन हो, या फिर आप रुमाल का डिज़ाइन देखना चाहते हैं या फिर पर्दे का दूसरा डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। यानी बेडशीट का अलग प्लेलिस्ट होगा, रुमाल का अलग प्लेलिस्ट होगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद डिज़ाइन को देख सकते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो कमेंट्स होता है वो यही होता है कि आप कौन सा कलर यूज किए हैं, कौन सा ब्रश यूज किए हैं और कौन सा कपड़ा यूज किए हैं। तो ये जो कपड़ा है मेरा वो मिक्स है और कलर जो है एक्रेलिक कलर है, और बाकी तो हर कलर का नंबर और नेम तो आपको लिखा हुआ देखने को मिल ही रहा है। तो इस तरीके से खूबसूरत सा फ्लावर बना सकते हैं। चलिए अब लीफ बनाते हैं। अभी जो हम ये राउंड शेप में यूज कर रहे हैं कपड़े को टाइट करने के लिए, इसका नाम फ्रेम है, ये वुडन फ्रेम कहलाता है। पर्दे के डिज़ाइन के लिए बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, यदि आप कोई और भी स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, यानी आपका स्पेशल कोई डिमांड है कि आप इस चीज़ का वीडियो लाइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Thank you.
तो कैसा लगा इस डिज़ाइन का फाइनल लुक? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कितने लोगों को पसंद आता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये है खूबसूरत सा पर्दा का डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यदि आपको भी अच्छा लगे तो आप खुद से ट्राई कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसका लीफ बनाना भी बहुत आसान है और फ्लावर बनाना भी बहुत आसान है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।